Welcome back to Ask Isay. So I got a kind of sad story today, sad question. ये भी उर्दू में है. एक लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने गई थी. लाइक पता नहीं कहीं रेस्टोरेंट में थे, फिर अचानक से एक और लड़की वहाँ आ जाती है. और आई गेस वो भी उसकी गर्लफ्रेंड थी. अच्छा, तो आई यू नो आई गेस जो लड़की खाना खा रही थी उसने मुझे मैसेज किया, बाय द वे लेट्स जस्ट कॉल हर सेरा. सो जो लड़की खाना खा रही थी सेरा, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कोई और आ गई वहाँ पे. वो कहने लगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है ये वो, और तीनों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई. फिर वो दूसरी लड़की जो आई थी वहाँ वो चली गई गुस्से में, और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे सफाइयाँ देने लगा, माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ यू नो मुझे माफ़ कर दो ये वो ब्ला ब्ला, आईंदा नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या करूँ, कि वो उसे बहुत पसंद भी करती है, वो भी उससे आई डोंट नो अबाउट द गाय. It's tricky, right? तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कहने पे आप कुछ भी यू नो बड़ा कदम उठा लें. तो मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस दूंगी, लेकिन जरूरी नहीं आप मेरी बात सुने. ओके, सो जो सेरा है वो बहुत गुस्से में है. सो मैं अब गुस्से में कोई फैसला नहीं लें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ सोचना भी है तो सोच समझ के कल परसों सुबह उठ के फिर आप फैसला लेना. लेकिन मेरे हिसाब से जब दूसरी लड़की आई, मैंने आपका पूरा मैसेज पढ़ा, क्या हुआ, आप खाना खा रहे थे, वो कैसे अंदर आए, कैसे बात शुरू हुई ये वो, तो मेरे हिसाब से वो जिस तरह से अंदर आए, जिस तरह सारी सिचुएशन हुई, और जो लड़का है आपके साथ राइट अवे परेशान हो गया, आपको सफाइयाँ देने लगा, आपसे माफिया मांगने लगा, यू नो आपके पाँव पड़ने लगा, और दूसरी लड़की तो चली गई, यू नो उसे जो करना था करके वो चली गई. तो आई थिंक दिल के मामलों में मैं थोड़ी सी सॉफ्ट हूँ. ओके, कि आई नो बाज़ लोग कहेंगे कि वंस अ चीटर ऑलवेज़ अ चीटर ब्ला ब्ला, उसने चीट किया छोड़ दो व्हाटएवर, बट आई नो कि ये करना भी कितना मुश्किल है, कि आपका ऑलरेडी दिल लग चुका है इस लड़के के साथ. तो मैं होती, अगर मैं होती, मैं ये सोचती कि चलो जो भी हुआ, उसने जो भी किया चीट किया, जो भी किया लड़की ने पकड़ लिया व्हाटएवर, लेकिन आखिर में जब फाइनली सबको सच पता चल गया, सबसे पहले उसने आपको ज़्यादा अहमियत दी, उसने आपको इतनी अहमियत दी कि उसने सबसे पहले सफाई आपको दी, सबसे पहले माफ़ी आपसे मांगी, भले वो बाद में दूसरी लड़की से जो भी कहे कहे, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा फिक्र उन्हें किसकी थी, आपकी थी. राइट, उन्होंने आपसे माफिया मांगी, आपके पाँव पड़े, आपको बोला प्लीज नहीं मुझे नहीं छोड़ो, मुझसे गलती हो गई व्हाटएवर व्हाटएवर. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो चाहते, अगर असल में आप अहमियत नहीं रखती उनके लिए, तो वो दूसरी के पास जाके उन्हें सफाइयाँ देते. राइट, लेकिन वो आपको सफाइयाँ दे रहे हैं, वो आपसे माफी मांग रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज मुझे नहीं छोड़ो, यानी उनके दिल के करीब आप हैं. तो मैं माफ कर देती. देखिए, अगर दोनों में से अगर वो ऐसे यू नो आवारा है और उसे बस कोई नहीं पसंद, तो किसी को भी सफाई नहीं देता. राइट, और वैसे अगर वो उसे पसंद करता तो उसके पीछे भागता, लेकिन वो आपके साथ रहा, आपसे माफी मांगी. तो आई थिंक मैं इस बात को दिल में रख के मैं उसे माफ कर देती. कि आप लोग साथ थे इतने सालों से, और ऐसी बातों पे मैं नहीं चाह, मैं अपना कोई रिश्ता ऐसे खराब नहीं करना चाहूंगी एक बात पे. अगर ये बार बार हुआ वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने आपको आपको ये, अभी आप गुस्से में तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, आप बोलोगे ये पागल हो गई है, लेकिन आप आराम से बैठ के जब सोचेंगी ना, आप ये सोचना कि उन्होंने सबसे पहले किसे माफी मांगी, क्यों मांगी. मैं माफ कर देती. या बेसिकली
आई डोंट नो, इतने लोगों को शायद गुस्सा आएगा कि मैंने कैसे बोल दिया, लेकिन आपका जो सिचुएशन है ना वो डिफरेंट है. मैंने लाइक आपके सारे मैसेजेस पढ़े, आपका हर एक जो लव सामने जो मुझे लिख के दिए हैं, हर एक चीज पढ़ के सोच समझ के फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता मैं पर्सनली माफ कर देती. Especially क्योंकि आप कह रही हैं आप इतने सालों से साथ हैं, इतना प्यार था. अगर मेरा इतना प्यार हो किसी के साथ तो I'm like, मुझे it's hard for me to let go of things. अगर I don't know, मैं माफ कर देती हूँ. वो अलग बात है अगर उसके साथ भागा होता, लेकिन आपके पीछे भागा सो बाकी आपकी मर्जी. प्लीज मेरे कहने पे कुछ नहीं करना. अगर आपको लगता है ये चीटर है फिर से करता रहेगा तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बस अपनी तरफ से अपनी एडवाइस दे रही थी. ओके गाइस, सो हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे. मैं जा रही हूँ कुकीज खाने. सो आप भी कुकीज खाएं, आइसक्रीम खाएं, ठंडी रहें. फिर सुबह उठ के सोचे कि क्या करना. कुकी मॉन्स्टर वांट्स सम कुकीज. I love you guys. Bye.